नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की। देश के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं और वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी। वहीं राष्ट्रपति चुनाव में अखिलेश यादव ने भी अपने वोट का प्रयोग किया। इस दौरान अखिलेश यादव बीजेपी सरकार पर जमकर बरसते हुए नजर आए। अखिलेश यादव ने निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी धर्म के आधार पर नफरत फैलाती है। में जो घटना हुई है वो बीजेपी के लोग शामिल हैं, बीजेपी के विधायक शामिल हैं उसमें, और जो सूचना मिल रही है जिसने धार्मिक स्थानों पर मांस फेंका है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले दिन से नहीं कर रहे हैं, उससे पहले भी एक धर्म के लोगों की दुकानें जला दी। डीएमएसपी क्या कर रहे थे? क्या डीएमएसपी को टर्मिनेट करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए? अभी हटा दिया गया है, फिर बहाल करके कहीं अच्छी पोस्टिंग दे देंगे। दी है कि बीजेपी के लोगों ने ट्रेन किए हैं, कुछ ऐसे लोग ट्रेन कर करके, जिससे कि धर्म और जाति के आधार पर लोगों को लड़ाया जा सके। अगर किसी ने ट्रेनिंग दी होगी तो भारतीय जनता पार्टी ने। आखिरकार इतना बड़ा इनके पास अधिकारियों का और इंटेलिजेंस का, इतने बड़े लोग हैं, आखिरकार क्या कर रहे थे वो? बातचीत के लिए संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। गौरव, जिस तरह से अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधा है, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, विपक्ष हमेशा से लगातार बीजेपी पर तुष्टिकरण का आरोप लगाता रहा है। बीजेपी का कहना होता है कि हम लोग राजनीति नहीं करते, हम सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं और सभी धर्मों के लिए काम करते हैं। पर वहीं जो विपक्ष है, खासतौर से अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश जब से विधानसभा चुनाव का परिणाम आए तब से पहले भी और अभी भी लगातार इस तरह के आरोप लगाते आ रहे हैं। और अगर आरोपों की बात करें तो तमाम तरह के आरोप। अब इस समय जो अभी मुद्दा जो क्रम है वो मुद्दा कन्नौज का मुद्दा है, जहाँ पर एक धार्मिक स्थल पर मांस गिरा जाने की घटना थी। उसके बाद वहाँ पर डीएमई और एसएसपी को हटा दिया गया था, उसके बाद नए लोगों की नियुक्ति की गई है और ये मामला लगातार गर्मा रहा है, क्योंकि इसको लेकर भी लगातार धर्म की राजनीति की बात कही जा रही है। इसके अलावा जो लूलू मॉल में जो प्रकरण चल रहा है, वहाँ पर नमाज की गई थी और नमाज करने के बाद वहाँ पर 2 दिन पहले अभी वहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया था। हालांकि लूलू मॉल प्रशासन ने कहा था कि इस तरह की कोई धार्मिक गतिविधि की अनुमति नहीं है, और उन्होंने लोगों के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। पर इस तरह से अखिलेश यादव ने लगातार, उनका कहना होता है कि बीजेपी में ट्रेंड करके ऐसे लोग लगे हुए हैं जो लगातार इस तरह के मामले उठाते रहते हैं। जी, तो लगातार अब धर्म की राजनीति का आरोप लग रहा है बीजेपी के ऊपर, और अब बीजेपी भी अपनी सफाई देती हुई नजर आ रही है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, बीजेपी का अपना कहना, तो बीजेपी कहना है कि जो भी घटना होती है उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं होता है, घटना स्वतंत्र होती है और घटना कोई पुनर्नियोजित नहीं होती है। क्योंकि पर जिस तरह से लगातार इस तरह के मामले चले, चुनाव के अगर पहले की बात करें, विधानसभा चुनाव हुए उसके बाद ज्ञानवापी मुद्दा उठाया, जो ज्ञानवापी और सिंगर गौड़ी मंदिर का मुद्दा है, इसके अलावा जो श्रीकृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह का मामला चल रहा है, इसके अलावा तेजो महालय और जो ताजमहल का मामला चल रहा था, हालांकि उस पर याचिका रद्द हो चुकी है, पर जिस तरह से लगातार जो श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह का मामला चल रहा है, वही ज्ञानवापी मस्जिद का भी मामला सुनवाई में चल रहा है, तो वहीं जो कन्नौज में घटना हुई है, लूलूमाल का जो प्रकरण हुआ है, निश्चित रूप से यहाँ पर विपक्ष के निशाने पर बीजेपी आई है और बीजेपी पर आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है। हालांकि बीजेपी कहना है कि उसका इस घटना से कोई संबंध नहीं है, जो सामने आता है वही सामने सिद्ध होता है। इस वक्त जो देश में मौजूदा वक्त में जो हालात देखने को मिल रहे हैं उसकी वजह से बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है, लेकिन इससे पहले सपा पर ये आरोप लगते थे। गौरव, जिस तरह से इससे पहले राजनीति की बात होती थी कि वायम फैक्टर की बात करती है सपा और उनके ही वोट को लेकर राजनीति करती है, और अब इस तरीके के आरोप, किस तरह से देख रहे? देखिए, हर एक जो पार्टी होती है उसका एक सुनिश्चित वोट बैंक होता है। अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी जो पार्टी है वो एमआई फैक्टर पर जाती है, क्योंकि दलित वर्ग का वोट उनको बहुत ज़्यादा मिलता रहा। हालांकि इस बार उन्होंने चुनाव में कुछ दलित नेताओं को अपने साथ में शामिल किया था, बीजेपी से होकर आए थे, पर इसके बावजूद उनका जो वोट बैंक है, जो परंपरागत वोट बैंक है, वो एमआई फैक्टर ही माना जाता है, यानी मुस्लिम और यादव वोट। इसके अलावा बीजेपी की बात करें तो बीजेपी हमेशा से जो वोट बैंक है उनका जो वोट बैंक है उस पर तो सेंध लगाती, इसके अलावा लगातार उसका प्रयास रहता है कि सभी वर्गों के वोट उसको मिले, उसके लिए लगातार वो ऐसे लोगों को प्रतिनिधित्व देती है। अभी आपने देखा हाल में ही जो द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया, जो कि आदिवासी वर्ग की आती है, झारखंड की पूर्व राज्यपाल है, वो आदिवासी समाज से आती है, बहुत साधारण महिला है, नाम बहुत बड़ा नहीं है, पर उनका जो जीवन शैली रही है, जो जीवन रहा है वो विदाग रहा है,
है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ऐसे चेहरों को आगे बढ़ाकर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का ये बात स्पष्ट करती है कि बीजेपी की नज़र में सारी धर्म सारी जो जाति हैं वो सब समान है। तो वहीं अगर बसपा की बात करें तो बसपा की जो प्रभाकर वोट बैंक है वो दर्द वोट बैंक रहा है। हालांकि पिछली बार चुनाव जब बसपा जीती थी उसके पहले उस चुनाव में जो ब्राह्मण और दलित वोट बैंक उनको मिला था, पर लगातार प्रयास यही रहता है कि दलित वोट बैंक उनको मिले। पर इस बार चुनाव में जिस तरह की हार हुई है, कोई बहुत बड़ी सीटें नहीं मिली है, तो निश्चित रूप से आप किसी का वोट बैंक कहानी सकते, पर जो परंपरागत वोट बैंक है समाजवादी पार्टी का बीजेपी का वो उससे अलग नहीं हो पाता है और आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते रहते हैं, पर सभी पार्टियों को पता है उनका वोट बैंक क्या है। जो इस वक्त स्थिति देखने को मिल रही है देश के अंदर गौरव, तो क्या लगता है अब धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत है देश में? धार्मिक स्थलों की सुरक्षा तो हमेशा बनाई जाती रही है और बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पर यहाँ पर का लूलू महल प्रकरण की बात करें वो कोई धार्मिक स्थल नहीं है, वो सार्वजनिक स्थल है। तो यहाँ पर कोई घटना के सुनिश्चित नहीं हो सकते हैं कहाँ पर क्या हो जाए, कहाँ पर नमाज पढ़ी जाए। उसके बाद देखिए आपने लूलू महल नमाज पढ़ी गई थी, चारबाग में पढ़ी गई, तो कौन सा प्रकरण कहाँ उठ जाए, उसके बाद वहाँ पर लूलू महल में हनुमान चालीसा पढ़ी गई, तो प्रकरण की कुछ पता नहीं है कौन सा प्रकरण उठ जाए। आप कहाँ कहाँ धार्मिक स्थल की बात करें, यहाँ पर सार्वजनिक स्थलों पर धार्मिक गतिविधियाँ चल रही है, धार्मिक राजनीति हो रही है, तो यहाँ पर राजनीति के तमाम मुद्दे हैं, ज्ञानवापी से लेकर और मुद्दा श्री कृष्ण जन्मभूमि इटवार तक जा रहा है और आने वाले चुनाव में देखते हो सकता है ये मुद्दे गर्माते जाए। हालांकि धार्मिक मुद्दे कब कब क्या कौन सा मुद्दा पैदा होता है, कब कौन से वर्ग की बात होती है, कब आरोप प्रत्यारोप दौर जारी होते हैं, ये बात चलता रहेगा। गौरव, अगर लूलू मॉल की बात करी जाए तो वहाँ पे इस बात को कहा गया था, आश्वासन भी दिया गया था कि इन सब गतिविधियों पे नजर रखी जाएगी, लेकिन दोबारा से ये घटना दोहराई गई है वहाँ पे, तो वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था पे सवाल उठता है। जी बिल्कुल, सवाल उठता सिखा, यहाँ पर प्राइवेट गार्ड वहाँ पर लगाया गया है, निजी एजेंसी है, पर किसी की अगर धार्मिक प्रार्थना करता उस समय उसको हम रोक टोक भी नहीं कर सकते हैं। अभी आपने देखा वहाँ पर नमाज की गई थी, उसका वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद फिर चारबाग स्टेज में नमाज की गई थी, और जो अगर लूलू मॉल की नमाज की हम बात करें तो वहाँ पर दो बार नमाज पढ़ी गई थी, पहली बार में 6 से 8 लोगों ने नमाज पढ़ी थी, इसके बाद दो लोगों ने नमाज पढ़ी, इस तरह का वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। लूलू मॉल ने अपने माध्यम से उन्होंने प्रेसवार्ता भी की, तो प्रेसवार्ता के माध्यम से उन्होंने कहा था कि लूलू मॉल किसी भी धार्मिक प्रदर्शन की धार्मिक प्रार्थना की अनुमति नहीं देता है, उसके बावजूद लगातार वहाँ पर इस तरह का कृत्य किए जा रहा है, तो निश्चित रूप से वहाँ पर एक सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए वहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही साथ अभी वहाँ पर शासन ने जो वहाँ के जो चौकी इंचार्ज उनको भी लाना हाजिर किया है, जो वहाँ पर इंस्पेक्टर थे उनको लाना हाजिर किया है सुशांत गोल सिटी का, निश्चित रूप से सरकार शासन कार्रवाई कर रही है। और साथ ही साथ यहाँ लूलू मॉल प्रशासन को भी देखना पड़ेगा, और अगर उनको लगता है कि उनके निजी गार्ड या उनके जो सुरक्षा गार्ड है वो इस तरह की गतिविधि को नहीं रोक पा रहे, उनको भी शासन प्रशासन के जो पुलिस सहायता लेनी चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़े थे। उत्तर प्रदेश में पीडब्ल्यूडी विभाग में हुए ट्रांसफर को लेकर घोटाला सामने आया है, जिसमें मनचाही तैनाती की गई, अवर अभियंता से लेकर चीफ इंजीनियर तक सभी में गड़बड़ी पाई गई है, शासन स्तर पर भी सबसे ज्यादा गड़बड़ी हुई है। पीडब्ल्यूडी विभाग मनचाही तैनाती, मनचाही नीति और भ्रष्टाचार से लिप्त पाया गया है। तबादला नीति की पीडब्ल्यूडी में पूरी तरह से ऐसी तैसी की गई है। पीडब्ल्यूडी चीफ मनोज गुप्ता तबादलों से जुड़े सवालों के घेरे में है, साथ ही पीडब्ल्यूडी प्रमुख सचिव नरेंद्र भूषण से भी पूछताछ की जाएगी। एपीसी मनोज कुमार सिंह ने मामले की जांच पर मुख्यमंत्री कार्यालय में रिपोर्ट सौंपी है। और इस खबर पर हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। गौरव, जिस तरह से मनचाही ट्रांसफर की और जो घोटाले की मामला सामने आया है, इसको लेके अब जांच तो हो रही है, लेकिन इतना बड़ा घोटाला सरकार की नाक के नीचे हो जाता है, इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, बहुत बड़ी शर्म की बात है। योगी सरकार का दूसरा कार्यकाल 37 साल पुराने मिथक को तोड़कर बीजेपी ने यहाँ दोबारा सत्ता बनाई, और सत्ता के बाद जैसे ही 25 मार्च को शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ था उसके बाद से लगातार योगी सरकार एक डिफरेंट एजेंडे के साथ काम कर रही है, अलग एजेंडे के साथ काम कर रही है। यहाँ पर 100 दिन की कार्यनीति, 6 महीने की कार्यनीति, 1 साल की कार्यनीति, एक रोड मैप के हिसाब से काम किया जा रहा है, उस पर खरी उतर भी नजर आ रही है। पर जिस तरह से अभी हाल में स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग और लोक निर्माण विभाग में घोटाले की बात आई है, तबादलों में घोटाले की बात आई है, ये बहुत ही शर्म की बात है। क्योंकि अभी हाल में आपने देखा था कि स्वास्थ्य विभाग में जो घोटाले हुए थे, तबादले हुए थे, उसमें घोटाला नजर आया था और लोगों को मनचाही तैनाती दे दी गई थी, और यहाँ पर
जो पैसे का लंबा घालमेल हुआ था, जिसके चलते ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उन्होंने उंगली उठाई थी। उन्होंने इसके लिए जो सचिव हैं अमित मोहन प्रसाद, स्वास्थ्य सचिव हैं, उनको भी कहा था, उनकी चिट्ठी लिखी थी, उनसे कहा था जो भी तबादले हुए हैं उनकी डिटेल उनको दी जाए, उनकी जाँच उनको दी जाए, उनको जानकारी दी जाए। पर इसके बावजूद अब तक कोई प्रतिक्रिया वहाँ से नहीं आई थी, कोई जाँच बिंदु वहाँ पर नहीं बताए गए थे कि किस तरह यहाँ पर तबादले किए गए। और यही तबादले स्वास्थ्य विभाग से लेकर लोक निर्माण विभाग और यहाँ तक कि पशुपालन विभाग में भी इस तरह के तबादले हुए हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर सरकार की छवि खराब होती है। और सरकार ने भी, योगी आदित्यनाथ ने भी इसमें भी कड़े कदम उठाते हुए एक समिति बनाई थी, समिति के माध्यम से रिपोर्ट देने को कहा था, और जिसको देखते हुए लोक निर्माण विभाग और स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट आज पहुंची, उनकी तक पहुंच चुकी है। जी गौरव, अगर बात करी जाए अवर अभियंता से लेकर चीफ इंजीनियर सभी तक में गड़बड़ी पाई गई थी, सभी घोटाले में लिप्त पाए गए थे, तो क्या लगता है सभी को निष्कासित करके नई भर्तियां करी जाएगी? इससे लोगों को, जो लोग बेरोजगार हैं, नए युवा हैं, उनको रोजगार भी मिलेगा और एक बड़ी मिसाल साबित होगी ऐसे घोटालेबाजों पर। अब देखिए कार्रवाई शिकायत में कौन सी होती है, विभागीय कार्रवाई होती है या विधिक कार्रवाई होती है, तो सरकार निर्णय करेगी, शासन निर्णय करेगा। पर चूंकि इस पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग के हम तबादलों के घोटालों की बात करें या आपका पशुपालन विभाग के तबादलों घोटालों की बात करें या लोक निर्माण विभाग के तबादलों की बात करें, तो यहाँ पर जो लोग हैं वो बड़े बड़े इसमें लोग शामिल हैं और बड़े ऊपर से नीचे तक ये व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर कई बड़े लोगों के नाम भी सामने आएंगे, उन पर कार्रवाई कैसी होती है, विधिक कार्रवाई होती है कि शासन स्तर पर कार्रवाई होती है, फिलहाल वक्त बताएगा। पर ये बात तो साफ है, इन तबादलों की घोटाले से सरकार की छवि खराब हुई है और सरकार जल्द से जल्द इन मामलों में कठिन कार्रवाई करते हुए इन मामलों को, जो सरकारी छवि खराब हो रही है, इसको दुरुस्त करने का प्रयास करेगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़े थे लखनऊ से। देश में 15वें राष्ट्रपति के लिए मतदान हो रहा है। नया राष्ट्रपति चुनने के लिए राज्यों के विधानसभा और संसद भवन में वोट डाले जा रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग सोमवार सुबह 10 बजे से शुरू हुई। राज्यों के विधानसभा और संसद भवन में मतदान हो रहा है। पीएम मोदी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह समेत तमाम बड़े नेताओं ने संसद भवन में बने बूथ पर मतदान किया, तो वहीं राज्यों के सीएम और विधायकों ने अपनी अपनी विधानसभाओं में वोट डाले। 21 जुलाई को नतीजे आएंगे। 25 जुलाई को देश के नए राष्ट्रपति शपथ लेंगे। बता दें कि एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू है, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा है, और लगभग विपक्ष के ज्यादातर नेता कहीं ना कहीं द्रौपदी मुर्मू को उनके पिछड़ी होने की वजह से, आदिवासी होने की वजह से समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब फैसला, जो निर्णय आता है, उसका इंतजार करना होगा और जब मतगणना होगी 21 जुलाई को, तभी ये साफ हो पाएगा कि कौन राष्ट्रपति नया बनता है भारत का। हमने तो इसलिए भी सपोर्ट नहीं किया है जो नेताजी को ISI का एजेंट बताने वाले लोग को प्रत्याशी बनाया गया है। न तो नेताजी से सुझाव लिया है, न हमसे सुझाव लिया है। तो फिर जो कट्टर समाजवादी के लोग हैं, नेताजी को आदर्श सौंपा चलने वाले लोग हैं, कभी नेताजी का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैंने द्रौपदी जी को वोट दे दिया है। ये मानती हूँ शिवपाल जी का ये कथन उनका व्यक्तिगत कथन है, उस कथन पे मैं कमेंट नहीं कर सकती, बहुत ही अनुभवी व्यक्तित्व है वो। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये चुनाव इस देश के प्रथम नागरिक के लिए है, जो देश को आगे सफलता के बहुत बड़े आयाम तक ले जा सकता है। और ऐसे में यदि मुझे अपना भी उसमें पार्ट देना है, तो मैंने पूरा सोच विचार करके उसमें अपना सहयोग किया है, समर्थन किया है। और इस खबर में हमारे संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, लगभग ज्यादातर जो विपक्षी नेता हैं उनका वोट द्रौपदी मुर्मू की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। शिवपाल ने भी बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि जिन्होंने नेताजी का अपमान किया, उनको समाज सेवी है या फिर जो भी सपाई है वो वोट नहीं करेगा। तो इस तरीके का बयान सामने आया, कहीं ना कहीं जो बीजेपी की नीति है उसको देखते हुए और द्रौपदी मुर्मू का जो रिकॉर्ड है उसको देखते हुए उनको वोट किया जा रहा है, किस तरह से देख रहे हैं? जी बिल्कुल सिखा, आपको बता दें कि समाजवादी खेमे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो क्रॉस वोटिंग का जो बात कही जा रही है वो देखने को मिल रहा है। जहाँ शिवपाल यादव चुनाव से ठीक पहले
एक पुरानी टिप्पणी का वाक्या निकाल कर उसमें ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि हम ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करेंगे जो समाजवादी के संरक्षक यानी कि समाजवादी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव को आईएसआई का एजेंट कहा हो। तो इसका कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात पर सवाल के घेरे खड़े किए हैं कि हम द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर रहे हैं और वो डिनर पार्टी में भी गए थे। वहीं इसके जवाब में अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है कि ये जो चिट्ठी शिवपाल यादव की तरफ से यानी कि उनके चाचा की तरफ से दी गई है वो उनके तरफ से नहीं लिखी है बल्कि ये भाजपा की तरफ से चिट्ठी लिखकर उन्हें लगवाई गई है। वहीं अगर बात की जाए तो जो संविधान की रक्षा की लड़ाई जिम्मा होता है यानी कि राष्ट्रपति चुनाव उसके जो मतदान है वो महज अब आधे घंटे बचे हैं। लगभग अगर बात की जाए तो 95% मतदान उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं। विधानसभा में बात की जाए तो लगभग 403 विधानसभा में सीटों में से 280 सीटों पर जो एनडीए की संयुक्त उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू उनको समर्थन मिलते हुए दिख रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो बीजेपी की घटक दल के अलावा जो दल कुछ दल बाहर से भी समर्थन किए हैं जैसे बात की जाए तो जनसत्ता यानी कि राजा भैया की पार्टी के समर्थन द्रौपदी मुर्मू कर रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो सुभाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जब विपक्ष के उम्मीदवार आते हैं और उनको उस बैठक में नहीं बुलाई जाती उसके बाद नाखुश होकर वो कहीं ना कहीं बीजेपी के उम्मीदवार जो है जो एनडीए की संयुक्त उम्मीदवार है उनको समर्थन करते हैं और उन्होंने इस पर तमाम बयान दिया है और कहा है कि हम जो आदिवासी समाज है उनके साथ खड़े हैं। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि देश में ऐसे कई सारी पार्टियां हैं चाहे बात की जाए वाईएसआर कांग्रेस की चाहे बात की जाए बीजू दल की ओडिशा की तो ये तमाम पार्टियां द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में दिख रही हैं। वहीं अगर बात की जाए तो केरल में जो यशवंत सिन्हा है विपक्ष के उम्मीदवार उनको समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है। वहीं तमिलनाडु में एमके स्टालिन का समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है। अब जब नतीजे आएंगे तो ये कहना साफ होगा कि कौन जीत रहा है कौन जीता मगर ये साफ है कि इस बार जो चुनाव हो रहा है राष्ट्रपति का उसमें रिकॉर्ड मतों से कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पंडित है वो ये कह रहे हैं कि रिकॉर्ड मतों से एनडीए की उम्मीदवार जो है उनके जीतने की संभावना है। जी विभांशु दो तरह की बातें देखने को मिली थी। जब राष्ट्रपति उम्मीदवार की घोषणा करी गई तो ये भी कहा गया था कि वो आदिवासी समाज से आती है द्रौपदी मुर्मू तो वो अपने समाज के लिए खड़ी होंगी काम करेंगी। फिर ये भी विपक्ष द्वारा कहा गया कि जब उनके पास पावर थी पोजीशन थी तब उन्होंने कौन सा काम कर दिया जो वो राष्ट्रपति बन के करेंगी। तो दो तरह की बातें देखने को मिली है लेकिन जो विपक्ष है वो इन्हीं बातों पर अपना वोट देता हुआ नजर आया है कि वो एक नया एक पिछड़ा चेहरा है आदिवासी चेहरा है वो अपने समाज को एक नई पहचान दिलाएंगी। इसको किस तरह से देख रहे हैं क्या कुछ बदलाव आएगा आदिवासी समाज में जब एक आदिवासी चेहरा राष्ट्रपति बनेगा दुनिया में कैसी पहचान जाएगी। जी बेशक अगर देखें तो अब तक देश के इतिहास में 15वें राष्ट्रपति का ये चुनाव हो रहा है और अब तक अगर देखें तो 2 बार दलित चुनाव यहाँ लड़ चुका है। वहीं अगर बात की जाए तो पहली बार भारत के इतिहास में जो राष्ट्रपति का जिम्मा होगा वो एनडीए की उम्मीदवार यानी कि आदिवासी समाज की महिला द्रौपदी मुर्मू को देखा जा रहा है। वहीं अगर देखें तो जब यशवंत सिन्हा लखनऊ आए थे अपने जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं तो उनकी तरफ से कहा गया था कि जो तत्कालीन राष्ट्रपति हैं वो अपने समाज के लिए क्या काम किए हैं। साथ ही अगर जो एनडीए की उम्मीदवार है तत्कालीन द्रौपदी मुर्मू वो अपने समाज के लिए क्या काम करेंगी तो कहीं ना कहीं उनका सवाल ये था कि अगर वो चुनाव जीत कर जाती है तो अपने समाज के लिए बेहतर क्या काम करेंगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि चुनाव जीतने के बाद ये दोनों उम्मीदवारों में से अगर जो जाता है वो क्या काम करता है। वहीं अगर बात की जाए तो द्रौपदी मुर्मू जो कि आदिवासी समाज से आती हैं और आदिवासी समाज के लिए एक बेहद गर्व का दिन है आज कि एक उम्मीदवार जो कि अब तक देखा जाए तो भारत के इतिहास में 2 महिला राष्ट्रपति एक महिला राष्ट्रपति बनी है और अगर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनती है तो ये दूसरी होंगी और एक ओडिशा से यानी कि छोटे से राज्य से निकलकर और वहां 2 बार बीजू दल के साथ वो गठबंधन की सरकार में मंत्री रही और आपके झारखंड की पहली महिला राज्यपाल रही। साथ ही साथ अगर देखें तो बीजेपी इससे 2024 साधने की भी तैयारी में है क्योंकि देखा जाए तो तमाम जातिगत समीकरण जोड़ने के बाद अगर देखें तो आदिवासी समाज का वोट बीजेपी को उसका प्रतिशत कम रहा है। साथ ही साथ अगर हाल ही में मध्य प्रदेश झारखंड एवं तमाम राज्यों में चुनाव है जहां से आदिवासी समाज
भारी संख्या में आते, कहीं ना कहीं देखें तो इससे बीजेपी अपना जो कोर वोटर है उसमें एक और कड़ी जोड़ने के लिए आदिवासी समाज के लिए कर रहे हैं, उसमें काम कर रही है। साथ ही साथ अगर वो चुनाव जीतती है तो देखने वाली बात होगी कि अपने समाज के लिए वो क्या काम करती है। मगर शिखा, ये जो चुनाव है ये संविधान की रक्षा का चुनाव है और जो संवैधानिक मूल्यों का पालन होता है उसका चुनाव है, और जो भी राष्ट्रपति बने वो अपने संवैधानिक मूल्यों का पालन करे और साथ ही साथ जो संविधान है उसकी रक्षा करे। जी बिल्कुल विभांशु, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़े थे लखनऊ से। महंगाई से जूझ रही जनता को एक और झटका लगा है। जीएसटी परिषद के फैसले लागू होने के बाद सोमवार से कई खाद्य वस्तुएं महंगी हो गई हैं। प्रीपैक फूड आइटम जैसे आटा, दूध, दही, लस्सी, मछली, मिंट, पनीर और छाछ की कीमतें बढ़ गई हैं। सरकार इन प्रोडक्ट्स पर 5% की दर से जीएसटी वसूलेगी। इसके अलावा होटल में रुकना और अस्पतालों में इलाज के लिए अब लोगों को ज्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा। सरकार ने इन वस्तुओं पर वस्तु एवं सेवा कर की दरों में बढ़ोतरी कर दी है। बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद ने जून के आखिरी सप्ताह में बैठक में यह फैसला किया था। नए दर आज से यानी 18 जुलाई से लागू हो गए हैं। जहां एक तरफ देश में महंगाई की मार पड़ रही है, पेट्रोल डीजल से लेकर गैस सिलेंडर तक सभी महंगा हो रहा है, वहीं अब डब्बा बंद खाद्य वस्तुएं भी महंगी हो जाएंगी। और इस खबर में हमारे संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, जीएसटी यानी कि वस्तु एवं सेवा कर लगाया जाएगा डिब्बा बंद वस्तुओं पे, खाने की चीजों पे, वो चाहे दूध हो, दही हो, तो ये भी अब महंगा होने वाला है। लगातार जनता पर महंगाई की मार पड़ रही है, किस तरह से राहत मिलेगी जनता को? जी शिखा, आपको बता दें कि रोजमर्रा की तमाम वस्तु जो है वो महंगी हो रही है। और वही आपको बताएं कि जैसे दूध, दही, लस्सी, छाछ और तमाम जो मीट के आइटम होते हैं उस पे 5% जीएसटी लगाए जा रहे हैं। वही अगर बात की जाए तो आज से ये जो जीएसटी 5% लगा इसको लागू किया जाएगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम यानी कि सीबीडीटी की तरफ से ये नए नोटिफिकेशन के अनुसार आज से जो जीएसटी काउंसिल है उसकी तरफ से सिफारिश की गई है और नई दरें लागू हो जाएंगी। वहीं अगर बात की जाए शिखा, तो देश में महंगाई पहले से ही चरम सीमा पे है और कहीं ना कहीं जो ये चीजें हैं, चाहे बात की जाए तो ये तमाम चीजें, चाहे जो रोजमर्रा में उपयोग होती है, इससे 5% जीएसटी जो बढ़ाई जा रही है, इससे जो आम जनमानस है वो राहत की सांस लेते हुए नहीं दिख रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो पहले से ही जो लोग हैं वो महंगाई को झेल रहे हैं और इससे अब लोगों पे असर ज्यादा पड़ेगा। वहीं अगर बात की जाए तो खुदरा की कीमतों में जो है, अगर कोई 1 किलो आटा खरीदता है तो उसे जो फुटकर बिक्री में, तो उसे जीएसटी दे नहीं होगी, मगर वो अगर 5 किलो का आटा खरीदता है तो उसके 5% मूल्यों का इजाफा होगा। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो अगर कोई 1-1 किलो का 25 पैकेट खरीदता आटे का तो उसपे जीएसटी लागू नहीं होगा। बल्कि आपको बताएं कि 5 किलो से ऊपर और कुछ चीजों में 25 किलो से ऊपर जीएसटी का प्रावधान लगाया गया है। वही अगर देखा जाए तो इससे ये नियम आज से लागू हो जाएगा और डेयरी प्रोडक्ट खास करके जो रोजमर्रे के उपयोग में आती है उसमें ये जो इजाफा है वो लागू होगा। साथ ही साथ देश में महंगाई अभी देखे तो कई सालों में उच्च स्तर पे बनी हुई है और दूसरी ओर जीएसटी का जो कनेक्शन है वो बढ़िया हो गया है। वही माना जा रहा था कि जीएसटी आने के बाद जो तमाम टैक्स है वो एक ले दिए जाएंगे, ग्रॉस सर्विस टैक्स, यानी कि सभी टैक्सों को मिलाकर जीएसटी ले आया गया था। तो कहीं ना कहीं इससे अब देखने वाली बात होगी कि जनता के इस पे क्या रिएक्शन आता है। मगर अगर आम जनता की बात करें तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जीएसटी आने के बाद ये कहा गया था कि महंगाई कम होगी, मगर जीएसटी आने के बाद कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ते हुए नजर आ रही है। और जनता को राहत देने के लिए जीएसटी लाई गई थी कि सारे करों का एक कर दिया जाएगा जिससे चीजें सस्ती हो सकेंगी और कर भी सरकार तक पहुंच सकेगा, लेकिन कहीं ना कहीं असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात करी जाए डब्बा बंद प्रोडक्ट की, तो अगर इस पे जीएसटी लग रहा है, इसके दाम बढ़ेंगे, तो क्या खुले सामान का भी दाम बढ़ेगा? अगर एक डेयरी की दुकान पर लोग जाएंगे सामान लेने, तो क्या वहां पे दुकानदार जीएसटी के मूल्य वसूलेंगे या नहीं? इसके लिए क्या प्रावधान है? इलाज के लिए लोग अस्पताल जाएंगे तो वहां पे भी जीएसटी देना पड़ेगा, इससे कितनी असुविधा देखने को मिलेगी लोगों में? जी बेशक, बिल्कुल अगर बात करें तो तमाम ऐसी चीजें हैं, जैसे जो डब्बा बंद की बात की जाए तो ऐसे मशरूम आते हैं, पनीर आते हैं, तमाम जो प्रोडक्ट है
वो आजकल पोलियन में लगा कर आते हैं और वो उसमें सुरक्षित रहता है। इन सब मूल्य इन सब की कीमतों में इजाफा देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात की जाए तो जो फुटकर बिक्री है यानी कि जो रेड़ी पटरियों पर सामान बिकते हैं उस पर जीएसटी दे नहीं होगा, मगर जो तमाम जो बड़े प्रतिष्ठान है जहां ये सब चीजें मिलती है, चाहे बात की जाए तो ऐसे कई सारे शॉपिंग मार्ट है जहां पे जो वेटों का इजाफा देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात की जाए अस्पतालों की तो दवाइयों पे भी जीएसटी का जो प्रावधान है उससे जो इजाफा किया गया उससे कहीं ना कहीं जो आम जनमानस है वो परेशान और त्रस्त नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि जहां एक तरफ महंगाई की मार जनता झेल रही है उसमें 5% का रोज मरने की चीजों में जो इजाफा किया जा रहा है इससे कहीं ना कहीं जनता परेशान नजर आ रही है और सरकार को इस पर सोच कर और फैसले लेने चाहिए। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विभांशु मणि त्रिपाठी जुड़े थे इस खबर पे। चार बजे की चार बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।